वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ फ्लावर डिजाइन। देखिए ये कितनी खूबसूरत डिजाइन है। चलिए ये कैसे बनती है आज बना के दिखाते हैं। और डिजाइन बनाने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कितनी सुंदर ये डिजाइन है। देखिए उसके लिए मैं इसमें फंदा डाल लिया। तो ये डिजाइन 19 फंदे में कंप्लीट होता है, तो मैंने दो 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 साइड में एक्स्ट्रा लिया। चलिए कैसे बनाते हैं बना के देखते हैं। तो देखिए ये डिजाइन की पहली सिलाई है, तो आप बॉर्डर बना के फिर शुरू कीजिए। मैंने ऐसे ही सीधे से सीधे और उल्टे से सीधे उल्टा दो लाइन बनाया। तो आप पहले बॉर्डर बनाइए उसके बाद बनाइए। देखिए डिजाइन की पहली सिलाई है, तो एक दो तीन चार पाँच छ ये सात, देखिए सात फंदा वाइट से भी ना। अब मैं बीच में दूसरे कलर लगाऊंगी। तो देखिए एक फंदा मैं मैरून लिया, एक दो तीन इसको साथ साथ लेके चलिए, चार पांच छः ये सात, बीच में भी मैंने सात फंदा लिया। अब देखिए फिर से एक फंदा दूसरे कलर लिया। अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छ ये सात, देखिए पहली सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई। तो सात फंदा मैंने यहाँ से कितने लिया, एक दो तीन चार पाँच फंदा लिया, तो दो फंदा एक्स्ट्रा लिया, तो टोटल हमारे सात फंदा यहाँ हो गया। सात फंदा इधर है, एक मेहरून है और बीच में सात फंदा है, एक मेहरून है, उसके बाद फिर सात फंदा लिया। तो पहले सिलाई आपने ऐसे ही लेना है, यहाँ तक डिजाइन हमारे रिपीट अप फिर है। सात फंदा से शुरू करके आगे सात फंदा ले लीजिए, तो आपका दो बनाना चाहे तो फिर बन जाएगा। तो मैंने अभी ये जो फूल है इसी का एक ही बना के आपको दिखाऊंगी। तो देखिए रो नंबर टू पर हो, अब टू रो पर क्या करना है, एक दो तीन चार पाँच छः ये सात, सात फंदा वाइट था तो वाइट ही बिना। अब देखिए एक ये दो, दो फंदा मैरून से बिना, अब फिर से एक दो तीन चार ये पाँच, देखिए पाँच फंदा मेरा वाइट से हो गया। अब फिर से एक दो फंदा मेहरून से हो गया, अब फिर से सात फंदा होगा हमें वाइट से बिनना है। ये देखिए सात वाइट दो मेहरून, पांच वाइट दो मेहरून सात वाइट। अब देखिए रो नंबर थर्ड पर, देखिए थर्ड रो पर क्या करना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात फंदा वाइट से हो गया। अब देखिए एक दो, अब तीन फंदा मेरा मेहरून हो गया। अब बीच में एक दो तीन फंदा वाइट हो गया, अब फिर से तीन फंदा मेहरून, एक दो तीन, अब सात फंदा मेरी वाइट से हो गया। देखिए
देखिए थर्ड रो मेरा कंप्लीट हो गया, 7 वाइट 3 मेहरून, 3 वाइट 3 मेहरून, अब 7 वाइट। अब रो नंबर फोर्थ पर देखिए क्या करना है, एक दो तीन चार पाँच छ 7 वाइट, एक दो तीन 4 मेहरून, बीच में हमारे 1 वाइट, एक दो तीन 4 मेहरून, अभी लास्ट का हमारे 7 15 वाइट बिनना है। देखिए फोर्थ रो कंप्लीट हो गया, 7 7 वाइट 4 मेहरून 1 वाइट 4 मेहरून, 7 हमारे वाइट हो गया। अब रो नंबर 5 पर देखिए क्या करना है, एक 2 वाइट, अब हमारे एक दो तीन 4 5, देखिए 5 15 मेहरून हो गया। एक फंदा वाइट, एक दो 3 मेहरून, 1 वाइट, फिर से एक दो 3 मेहरून, अब हमारे 1 वाइट, एक दो तीन 4 5 वाइट, सॉरी 5 मेहरून, लास्ट में 2 हमारे मेहरून आ गए। देखिए ये हमारे 5 में सिलाई कंप्लीट हो गया, 2 वाइट 5 मेहरून 1 वाइट 3 मेहरून 1 वाइट 3 मेहरून 1 वाइट, फिर 5 हमारे मेहरून 2 हमारे वाइट हो गया। अब रो नंबर 6 पर देखिए क्या करना है, एक दो, अब देखिए 3 फंदा वाइट हो गया, एक दो तीन 4, ये 5 फंदा मेरा मेहरून हो गया, 1 फंदा वाइट हो गया, एक ये दो 2 फंदा मेहरून, 1 फंदा वाइट, एक 2 फंदा मेहरून, 1 वाइट, अब 5 फंदा, 1 2 3 4 5 फंदा मेहरून, लास्ट का हमारे 1 2 3 फंदा वाइट हो गया। अब देखिए ये हमारे 6 नंबर सिलाई कंप्लीट हो गया, 3 वाइट 5 मेहरून 1 वाइट 2 मेहरून 1 वाइट 2 मेहरून 1 वाइट, 5 मेहरून, लास्ट में हमारे 3 वाइट हो गया। अब रो नंबर 7 पर देखिए, एक दो तीन ये 4 4 फंदा वाइट हो गया, अब एक दो तीन 4, ये 5 5 फंदा वाइट मेहरून हो गया। अब देखिए 1 वाइट,
एक मेहरून, एक वाइट, एक मेहरून। एक वाइट, अब हमारे एक दो तीन चार पांच फंदा मेहरून हो गया। अब देखिए लास्ट का, एक दो तीन चार फंदा वाइट हो गया। ये देखिए रो नंबर 7 भी हमारे कंप्लीट हो गया, 4 वाइट। अब बीच में हमारे 6 मेहरून, 1 वाइट, 1 मेहरून, 1 वाइट, 1 मेहरून, 1 वाइट, फिर हमारे 5 फंदा मेहरून आ गया, लास्ट में 4 फंदा वाइट आ गया। अब देखिए रो नंबर 8 पर, एक दो तीन चार 5 वाइट, 1 2 3 4 5 मेहरून, एक दो तीन वाइट, एक दो तीन चार 5 मेहरून, एक दो तीन चार 5 वाइट। देखिए 5 वाइट, 5 मेहरून, 3 वाइट, 5 मेहरून, 5 वाइट। अब रो नंबर 10, नाइन सॉरी नाइन नाइन रो पर देखिए, एक दो तीन चार 5 6 7 8 9, ये 10 11। देखिए 11 फंदा मेरा व्हाइट से हो गया। अब ये बीच वाला जो है इसको अब मेहरून से करूंगी। एक देखिए फिर से हमारे लास्ट का 11 फंदा व्हाइट से भिन्न है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 फंदा हो गया। अब रो नंबर 10 पर देखिए क्या करना है, एक दो तीन चार ये 5, 5 फंदा मेरा, एक दो तीन चार 5 फंदा व्हाइट से हो गया। अब देखिए एक दो तीन चार 5, 5 फंदा मेहरून से बिना। अब बीच में एक दो तीन, 3 फंदा व्हाइट से हो गया। अब फिर से मेहरून से, अब देखिए मेहरून से बनना है 5 फंदा बिनना है, एक दो तीन चार 5 फंदा मेहरून से हो गया। एक दो तीन चार 5 फंदा व्हाइट से हो गया। देखिए 5 व्हाइट, 5 मेहरून, 3 व्हाइट, 5 मेहरून, 5 व्हाइट। अब देखिए रो नंबर 11 पर देखिए, देखिए हमारे इतना बन गया डिजाइन। अब रो नंबर 11 पर हूँ। अब 11 रो पर देखिए क्या करना है, एक दो तीन चार, 4 फंदा व्हाइट हो गया, एक दो तीन चार 5 फंदा मेहरून हो गया, एक व्हाइट, एक मेहरून, एक व्हाइट, एक मेहरून,
एक वाइट, एक दो तीन चार, पांच मेहरून, एक दो तीन चार वाइट, देखिए चार वाइट पांच मेहरून, एक वाइट एक मेहरून, एक वाइट एक मेहरून, एक वाइट, फिर हमारे पांच मेहरून चार वाइट। अब रो नंबर 12 देखिए, एक दो तीन वाइट, एक दो तीन चार पांच मेहरून, एक एक वाइट, एक दो मेहरून, एक वाइट, एक दो मेहरून, एक वाइट। अब हमारे पांच फंदा, एक दो तीन चार, पांच वाइट, एक दो तीन वाइट, देखिए तीन वाइट पांच मेहरून, एक वाइट दो मेहरून, एक वाइट दो मेहरून, एक वाइट, फिर हमारे पांच मेहरून तीन हमारे वाइट आ गया। अब देखिए रो नंबर 13 पर वो, अब देखिए 12 रो हमारे कंप्लीट हो गया, तो ऐसे दिखे डिजाइन हमारे बन गए। अब मेरा रो नंबर 13 पर देखिए क्या करना है, ये बहुत आसान पैटर्न है फ्रेंड। वन, ये हमारे दो फंदा हो गया वाइट से, एक दो तीन चार, ये पांच, पांच फंदा मेहरून से हो गया, एक फंदा वाइट, एक दो तीन फंदा मेहरून, एक वाइट, एक दो तीन मेहरून, एक वाइट, एक दो तीन चार, पांच मेहरून, लास्ट में हमारे दो फंदा वाइट। देखिए 13 रो हमारे कंप्लीट हो गया, दो वाइट पांच मेहरून, एक वाइट तीन मेहरून, एक वाइट तीन मेहरून, एक वाइट पांच मेहरून, लास्ट में हमारे दो वाइट आ गया। अब रो नंबर 14 पर देखिए, एक दो तीन तीन चार पांच छः सात वाइट, एक दो तीन चार ऑरेंज, सॉरी चार मेहरून, फिर से एक वाइट, एक दो तीन चार मेहरून, और बाकी सात फंदा वाइट से बिनना है। देखिए रो नंबर 14 मेरा कंप्लीट हो गया, सात वाइट चार मेहरून, एक वाइट चार मेहरून, लास्ट में हमारे सात वाइट हो गया। अब रो नंबर 15 पर देखिए, जो जैसा फंदा वैसे ही बिनना है, वाइट को वाइट से बिनना है, सात फंदा वाइट हो गया, अभी चार फंदा मेहरून है तो उसको मेहरून से ही बिनना है, जो जैसे कलर की फंदा है उसको वैसे कलर से ही बिनना है। ये देखिए एक वाइट है तो इसको वाइट बिना, ये हमारे मेहरून है तो इसको मेहरून ही बिना,
अभी सात फंदा व्हाइट है तो सात फंदा व्हाइट ही बीनना है। देखिए रो नंबर 70 मेरा कंप्लीट हो गया, जो जैसा फंदा था मैंने उसको वैसे ही बीना। अब रो नंबर सॉरी 15 कंप्लीट हो गया, अब रो नंबर 16 है। अब 16 रो पर देखिए क्या करना है, सात फंदा पहले मैं व्हाइट से बीन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए सात फंदा व्हाइट से बीना, अब एक दो तीन फंदा मैरून से बीना, एक दो तीन वाइट, फिर से एक दो तीन मैरून, अब लास्ट का सात फंदा वाइट से बीनना है। देखिए रो नंबर 16 भी मेरा कंप्लीट हो गया, सात में सात वाइट तीन मेहरून, तीन वाइट तीन मेहरून, लास्ट में सात हमारे वाइट आ गया। अब देखिए रो नंबर 17 है, 17 रो पर क्या करना है, सात फंदा पहले वाइट से बीनना है। तो मैं सात फंदा बीन के फिर आपको आगे का बताती हूँ। देखिए सात फंदा मेरा वाइट से बीना, अब एक दो फंदा मेहरून से बीना, अब बीच में एक दो तीन चार पांच फंदा बीच में वाइट आ गया। अब मेरी एक दो मेहरून, फिर हमारे सात फंदा वाइट से बीनना है। ये देखिए रो नंबर 17 है, 17 रो मेरा कंप्लीट हो गया, सात वाइट दो मेहरून, बीच में पांच वाइट दो मेहरून, अब सात हमारे वाइट आया। अब रो नंबर 18 पर देखिए सात फंदा फिर से वाइट बीनना है, मैं वाइट बीन के फिर आपको बताती हूँ। देखिए सात फंदा मेरा वाइट से हो गया, अब एक फंदा मेहरून, अब बीच में फिर से एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदा मेहरून वाइट हो गया, अभी एक फंदा मेहरून है, अब फिर से सात फंदा मैंने वाइट बीनना है, सात फंदा वाइट बीनना है। देखिए सात फंदा वाइट से हो गया, रो नंबर 18 भी मेरा कंप्लीट हो गया, सात वाइट एक मेहरून, सात वाइट एक मेहरून, सात वाइट, जैसे हमारे पहली सिलाई थी वैसे हो गया। अब एक सिलाई सीधे सीधे वाइट से पूरा बना के कंप्लीट करना है। अभी सारे फंदा सीधा बीनना है, व्हाइट कलर से ही बीनना है। अब देखिए मेरे पूरे 18 सिलाई की डिजाइन है, अभी ये डिजाइन मेरे कंप्लीट हो गया। और अब अगर आगे ऊपर बनाना चाहे तो फिर दो लाइन सीधे सीधे बना के फिर आगे से आप शुरू कीजिए। आप इसको बॉर्डर भी बना सकती हो, अगर बच्चे के लिए स्वेटर बना रहे हो तो इसको बीच में भी डाल सकती हो। देखिए मेरे डिजाइन बनके कंप्लीट हो गया, और फूल अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।